नमस्कार दोस्तों, आज जने विद भूपेन खलासी में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं रॉ फेमक यानी कि रस्सी का झूला। जी हाँ, मेरे साथ इस काम में जुड़ेंगे मेरे ससुर जी, जो कि एक बहुत एक्टिविटी वाले पर्सन हैं, जो मेरी तरह ही आर्ट और क्राफ्ट के कई सारे ऐसी एक्टिविटीज़ किया करते हैं। तो उनके साथ रह के वैसे वो मुझे सिखाएंगे कि किस तरह से ये रॉ फेमक बनाया जाता है, किस तरह से ये झूला बनाया जाता है, क्या मटेरियल चाहिए, किस टेक्निक से बनाया जाता है, वो ए टू जेड आपको हम बताएंगे। बहुत ही ईजी है, पूरा वीडियो देखेगा क्योंकि ए टू जेड आपको ये प्रोसेस दिखाया जाएगा कि कौन सा मटेरियल चाहिए, क्या चाहिए, किस मटेरियल से आपको जाल बुनना है। तो आप पूरा देखेगा, देखते देखते आप सीखेगा कि किस तरह से ये झूला बुना जाता है। मतलब तो आप भी ये मटेरियल घर पे लाके एक बढ़िया तरह का झूला आप बना सकेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और इस चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरी आपसे विनती कि इस चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिए। सब्सक्राइब करने की वजह से आप मेरे साथ जुड़ जाएंगे और आर्ट और क्राफ्ट के वीडियोस आपको एवरी वीक मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं, बनाते हैं झूला। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपके सामने है एक पत्ती और एक लकड़ी के बनावट की, जिसको बोला जाता है टीनी। गूगल पे वर्ड तो नहीं मिला, लेकिन हम इसको बोलते हैं टीनी, जो कि बांस में से बनाई जाती है, बांस की लकड़ी से। तो अब हमारे ससुर जी इस टीनी पे रस्सी को बांध रहे हैं। किस तरह से इसके ऊपर रस्सी लगाई जाती है वो आप पूरा प्रोसेस बहुत ही आराम से देखेगा। हमारे ससुर जी आपको वन बाय वन स्टार्ट टू एंड तक इस प्रोसेस को इतने आसानी से समझाएंगे कि आप घर पे आराम से ये झूला ये वीडियो देखने के बाद बना सकेंगे। मछली के जाल बुनने के लिए जो टीनी मार्केट में तैयार मिलती है वो वैसे एल्यूमिनियम या मेटल की मिल जाती है, लेकिन अक्सर फिशरमैन पहले तो जब मशीन बनावट की नहीं आती थी तब खुद ही ये जिस तरह हमारे ससुर जी ने ये बड़ी टीनी बनाई है उसी तरह की छोटी टीनी मछली पकड़ने के जाल बनाने के लिए बनाया करते थे, और ज़्यादातर इसमें यही बांस के लकड़ी का उपयोग किया जाता था। तो हमारे सामने अब तैयार है ये जाल बुनने के लिए टीनी। चलिए दोस्तों, अब हो जाइए सावधान। हमारे ससुर जी ने अपने पैर के अंगूठे में बांध ली है रस्सी। देखिएगा पूरा स्टेप स्टार्ट टू एंड तक, क्योंकि ये मिस कर गए तो आपको झूला बनाने का मेन स्टेप जो ये पहला वो आप नहीं देखेंगे तो आप नहीं बना पाएंगे। तो देखिए कि उन्होंने इस पैर के अंदर अपना ये रस्सी डाल के किस तरह से इसका डिस्टेंस रख के अंदर पत्ती डाल के पहला ब्लॉक बनाया है। देखिए अब टीनी को ये डाल रही है, कौन से भाग में डाल रही है, मतलब कौन से पार्ट में ये अंदर डाल के रस्सी को किस तरह से खींच रहे हैं वो आपको खास देखना है। देखिए अब ध्यान से देखिए, ये देखिए टीनी कहाँ जा रही है, अंदर डाला है इन्होंने। ओके, अब आप उनके लेफ्ट हाथ का अंगूठा उनको भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये अंगूठे से ये जहाँ पे खींच रहे हैं उस गांठ को दबा रहे हैं। वैसे देखिए आप देखिए अंदर ये डाला। ओके, फिर रस्सी को थोड़ा सा ये खींचेंगे, जंबो टीनी है तो मतलब थोड़ा सा दिक्कत तो होगा इसमें काम करने में। ये खींच लिया, अब देखिए अंगूठे से दबाया और ये दोनों रस्सी के नीचे से फिर से डाल के ये खींच रही है। ये हो गया गांठ, लग गई गांठ, देखा आपने, आसान है ना। फिर से देखिए आप, फिर से देखिए, ये डाला अंदर। ओके, खींचिए, खींच लिया, अब दो रस्सी जो उसके नीचे से डाल के ये घुमा के अब इसको खींच लो। हो गया, हो गया, बहुत आसान। अब इसी तरह से ये पहला स्टेप कंप्लीट करना है, मतलब पहले स्टेप में ये रस्सी अपने अंगूठे में डाल के, या अंगूठा मतलब पैर का यूज़ करके, ऐसा नहीं, ये थोड़ा सा आसान रहता है, मतलब जाल बुनने के लिए अक्सर फिशरमैन लोग इस तरह से यूज़ किया करते हैं। आप इसको किसी खूंटे में या खिड़की की जाली में कहीं पे भी आपको जहाँ भी लगे आसान वहाँ आप बांध सकते। लेकिन इन्होंने देखिए अब एक के बाद ये जाल का फर्स्ट स्टेप तैयार हो रहा है। अब इसको ध्यान से देखिए आप, ये लास्ट ब्लॉक का है, मतलब इसमें दो बार रस्सी घुमाई और तीसरी बार में इन्होंने अंदर इस तरह से गांठ डाली है। देखिए अब ये बहुत ज़रूरी है, मतलब ये एक लाइन का लास्ट वाला ब्लॉक है। देखिए अब खुलेगा और खुलने के बाद आपको ये लगाया, अब मैं आपको दिखाऊंगा ये जो लास्ट ब्लॉक है ना, बस ये देखिए, तो हर ब्लॉक के हिसाब से ये ब्लॉक थोड़ा सा बड़ा है ना। अब ये क्यों, तो हर लास्ट ब्लॉक जो हर लाइन में रहेगा ना वो इस तरह से डबल रस्सी घुमा के, मतलब एक बार डाला उसके बाद फिर से घुमा के अंदर डाल के हमें गांठ लगाना है। तो एक ब्लॉक जो फिर से घूम के, मतलब जो एंड आएगा वो सेकंड पार्ट में फर्स्ट
देखिए अब फिर से जो पहले की प्रक्रिया थी वही चल पड़ी। एक बात इसमें आपको ध्यान रखना है वैसे कि हम अगर जितने ब्लॉक ऊपर बनाए, मतलब जितनी रस्सी से ऊपर छोटे छोटे ब्लॉक बने हैं, तो उसी हिसाब से उतने ही बनाएंगे तो सीधा जाल का जो नाप होगा, मतलब एक सीधा जाएगा सरीखा। लेकिन अगर हमें जाल बीच में से चौड़ा करना है थोड़ा सा, तो हमें हर स्टेप में एक एक गांठ हम बढ़ाएंगे, तो एक एक ब्लॉक बढ़ाएंगे तो वो बीच से चौड़ा हो जाएगा। फिर से संकरा करना हो तो घटाएंगे तो वो संकरा भी हो जाएगा। झूले में तो हम वैसे एक सरीखा ही रखेंगे, तो हर नाप एक सरीखा रहेगा, हर ब्लॉक एक सरीखा रहेगा। मतलब ऊपर समझो कि 15-20 जो भी आए तो नीचे भी 15-20, उसमें नीचे भी 15-20, सब एक तरीके से आएगा। देखिए अब पहले स्टेप के बाद इन्होंने अब अंगूठे, अपने पैर के अंगूठे में एक थोड़ा सा बड़ा फंदा बना के उसमें लगाया, क्योंकि अब इनको थोड़ा सा डिस्टेंस चाहिए लगाने के लिए। देखिए अब इस तरह से ये दूसरी लाइन का तीसरा पार्ट, तो हर पार्ट में इसी तरह से एक ही प्रोसेस रहेगा। मतलब आपको ये तीन ही अंदर ब्लॉक में डालना आ गया, उसके ऊपर किस तरह से अंदर डाल के रस्सी को खींचना है। रस्सी को खींचने में भी मास्टर ऐसे नहीं आती, आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो एक दो गांठ या फिर कई गांठ आपके सरक जाएंगे, मतलब खुल जाएंगे, ऐसा भी हो सकता है। तो अंगूठे से दबाने की प्रोसेस बहुत मेन है, किस तरह से आप रस्सी को दबाते हो और टीनी डाल के जो रस्सी को खींचना है वो भी बहुत अहमियत रखता है इसमें। तो देखिए हमारे पास ये दो लाइन तैयार हो चुकी है। अब बस सेम प्रोसेस ये रहेगा, इसको घुमा के फिर जो उसमें लास्ट में हमने पहली लाइन में रस्सी को दो बार को एक बार और घुमा के हमने थोड़ा सा ब्लॉक चौड़ा किया था, बस वही प्रोसेस को सेम करते जाइए। और ये देखें आप, एक इतनी लंबी हमारा झूले की जाल जो है वो बन चुकी है। टाइम लगता है लेकिन बनाने में बहुत ही मज़ा आता है। देखिए आपको प्रोसेस मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि आपके दिमाग में ये बैठ जाए कि ये किस प्रोसेस से ये गांठ बुने जाते हैं, किस प्रोसेस से ये जाल तैयार किया जाता है। देखिए बहुत ध्यान से देखिए, बहुत मज़ा आ रहा है वैसे, जिस तरह से इसको देखते वैसे ही इसको बुनते तो बहुत मज़ा आता है। और आप जब बनाएंगे, रस्सी तो वैसे भी बहुत सस्ती आती है, टीनी भी आप खुद ही बना लोगे तो ये पत्ती भी आपको मिल जाएगी, वे आपके घर में ऐसे ही पड़ी हो। पत्ती के नाप के हिसाब से मैं आपको बोलना चाहूँगा कि कोई नाप वैसे तो फिक्स नहीं है, लेकिन अगर आप 1-2-3 जो भी इंच रखना चाहते हो वो पत्ती का नाप रख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे ये हमारा लगभग लंबा जाल बुन के तैयार हो चुका है। देखिए लग रहा है ना बढ़िया। तो आगे हमारे पास पड़े है कुछ पीवीसी पाइप के टुकड़े जो कि वेस्ट मटेरियल है, जिनका यूज़ हम इस झूले में करना चाहेंगे। तो गोल्डन कलर, और अब लगाते हैं गोल्डन कलर प्यार से इस पीवीसी पाइप पे। आप देख रहे हो कि ये पीवीसी पाइप हमारे पास ऐसे ही टुकड़े पड़े थे, हमने मार्केट में से खरीदा नहीं है। तो वैसे भी आपके पास ऐसे कुछ टुकड़े पड़े हो जिनका यूज़ आप कर सकेंगे, तो हमने सब पे कलर अब लगा लिया है, एल्बो, एंड कैप, पाइप और रस्सी। तो फाइनली हमारे ससुर जी लाल भाई टंडेल ने ये जाल बुन ली है, और अब हम झूला बनाने की प्रक्रिया की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इस पाइप को हमने कलर भी कर लिया है, और जो जो चीज़ चाहिए वैसे सब अब हमारे पास, एक बड़ी रस्सी और ये पूरी जाल बुन के तैयार है। अब हम आपको ये दिखाएंगे इसे किस तरह से झूला तैयार किया जाता है। तो पूरी प्रोसेस आप हमारे साथ बने रहिए इस चैनल में, और देखते रहिए कि किस तरह का एक बढ़िया झूला तैयार होता है। तो हमारा अब 90% काम खत्म हो चुका है, अब बारी है इस जाल को ये पाइप में डालने की। हर ब्लॉक को पकड़ कर सही से इस पाइप में हमें डालना है, जिस तरह हमारे ससुर जी डाल रहे, दोनों तरफ जो ब्लॉक है मतलब टी या फिर एल्बो, उसको सही से फिट करके उसके अंदर अब हमने ये पीली रस्सी, आप देख रहे हो पीली रस्सी को हर सीधी लाइन के अंदर जो ब्लॉक गया है वैसे, तो उसमें एक के बाद ऐसे इस तरह से हमें परोना है। अब देखिए इसके अंदर से ये रस्सी पास करके, और एंड कैप मतलब आप, हमने तो जो जो कुछ पड़ा था घर में, जो वेस्ट पड़ा था उसी का यूज़ करके ये हम बना रहे हैं। आप ये भी सोचोगे वैसे कि ये सब तो बाज़ार में से लाना पड़ेगा, हमारे घर पर तो है नहीं, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमने इसमें जो पाइप यूज़ किया है थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन इतना बड़ा पाइप अगर ना भी हो तो भी चलेगा, वैसे पीवीसी पाइप तो मज़बूत होता है। बस एल्बो आप देख लीजिए इसमें, जिस तरह से रस्सी अंदर इसमें होल लगा के रस्सी को परोया है, वो हमें ख़ास टेक्निक ये देखने की ज़रूरत है।
देखिए बहुत ही इजी, बस आराम से कटे जाइए रस्सी को ध्यान से, हर ब्लॉक में मतलब हर जो पाइप के अंदर से हमें परोना है उसको थोड़ा सा ध्यान से आप कीजिएगा। वैसे ज़्यादा मास्टरी की इसमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सही से हम परो के लगाएंगे तो थोड़ी सी आसानी होगी कि हम इसका बैलेंस कर पाए। देखिए तो अब लगभग देखा जाए तो 98% काम यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। एक बाजू की रस्सी फिट हो चुकी है, अब दूसरे तरफ की भी सचिव फिट कर रहे, मतलब उसको अंदर परो रहे। बस हर एक ब्लॉक में आराम से ऊपर नीचे करते जाइए तो ये तैयार होता ही जाएगा। अब देखिए आप लगभग ये रेडी हो चुका है। ससुर जी बता रहे हैं कि किस तरह से इसके ऊपर बीच में गांठ लगानी है, तो एक साइड का जो पार्ट है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। देखिए मैं ट्राई तो कर रहा हूँ वैसे, लेकिन ससुर जी जितनी ये झूले बनाने में मास्टरी मेरी नहीं है, उनके साथ रह के मैं थोड़ा सा सीख तो पाया हूँ। वैसे जाल बुनना मुझे भी आता है, लेकिन मैं प्रोफेशन से तो वैसे टीचर हूँ, लेकिन हूँ तो फिशरमैन। मैं भी पहले समंदर में जाया करता था, मछलियाँ मुझे भी पकड़ना आता है, जाल बुना करता था, लेकिन समय के साथ सब छूट गया। अब बच्चों के पढ़ाना और स्कूल को चलाना ही मेरा काम है। तो फाइनली तैयार हो चुका है ये झूला, हमारे ससुर जी की मेहनत रंग लाई है। वैसे बहुत बढ़िया झूला बना है, पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने की वजह से आप इस चैनल के माध्यम से मेरे साथ जुड़ जाएंगे, और मैं इसी तरह के इनोवेटिव वीडियोस इस चैनल पे डाला करता हूँ। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो कई सारे ऐसे वीडियो आपको इस चैनल पर मिलेंगे, जो कि हर वीडियो अलग है, हर वीडियो आपको कुछ ना कुछ नया सिखाएंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप मेरे जो जो वीडियो है हर वीडियो का आप देखेगा, और डेफिनेटली मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपको हर वीडियो में कुछ ना कुछ इनोवेटिव सीखने को मिलेगा। तो जल्दी से अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक करना बाकी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, अगर ऐसा लगे कि दोस्तों को शेयर करना चाहिए तो वो भी कर दीजिएगा। तो बने रहिए मेरे साथ इस चैनल पर, आपका मैं हर वक्त स्वागत करता रहूँगा आज जनवरी भूपेन खलासी में। तो मिलते हैं दोस्तों, थैंक यू सो मच।